इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। मंगलवार रात को आर्मी इंटेलिजेंस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां कानपुर में सैन्य क्षेत्र में सेना की वर्दी पहनकर घूम रहे एक युवक को आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पकड़ा गया युवक सेना की वर्दी में था और वो छावनी सीमा में साइकिल से राउंड लगा रहा था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसको सेना की वर्दी पहनने का शौक है, फिर भी आर्मी इंटेलिजेंस व लोकल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि धीरज पांडे जब सैन्य क्षेत्र में साइकिल से पहुंचा तो सेना ने जवानों ने उसकी गतिविधियों पर शक हुआ। उन्होंने उसको रोक कर जब उससे पूछताछ की तो वो सही जवाब नहीं दे पाया, जिस पर आर्मी के लोगों ने उसे छावनी पुलिस के हवाले कर दिया। सेना के इंटेलिजेंस व पुलिस की LIU उस फर्जी मिलिट्री मैन से पूछताछ कर रही है। छावनी थाना के सर्किल इंचार्ज रामकृष्ण चतुर्वेदी ने बताया कि आर्मी के लोगों ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। इसकी क्या भूमिका है और इसको सेना की वर्दी कहां से मिली, इसकी जांच की जा रही है। सर्किल इंचार्ज का कहना है कि सेना के लोग भी उससे पूछताछ कर रहे हैं। करीब 2 बजे के आसपास मिलिट्री वालों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा सेना की वर्दी में। उसने अपना नाम जो है धीरज पांडे बताया, हरबंस मोहाल का रहने वाला बता रहा है। और इससे जो अभी प्राथमिक पूछताछ की गई उसमें इसने ये बताया कि 2 बार ये सेना में भर्ती के लिए शामिल हुआ, भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए शौकिया इसने पहन लिया है। बाकी इसका कहना है कि और अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए सेना में भर्ती ऐसा किया है। इसमें क्या सत्यता है और आगे ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसके संदर्भ में पूछताछ जारी है। जी आर्मी की वर्दी पहने हुए एक संदिग्ध को आर्मी वालों ने ही पकड़ा था। आर्मी वालों ने उसे पूछताछ की है और शाम को उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने जो तहरीर दी उसके अनुसार एक मुकदमा पंजीत किया जा रहा है और क्या भूमिका है, क्यों वर्दी पहने था, इसके संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। क्या उनकी भूमिका थी, इनके पास से जो वर्दी पहने वर्दी बरामद हुई है, मोबाइल एक साथ में है, और बाकी क्यों ऐसा वो कर रहा था, वर्दी क्यों पहने हुए था, उसके संदर्भ में भी इसने जारी है। सेना के लोग भी हैं, मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी ली जाएगी कि इस एरिया में कोई प्रवेश करता है तो उसका क्या मानक है और क्या उस पर चार्जेस किए जाए, उस पर कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में तो यही कह रहा कि उसे शौक है वर्दी वर्दी पहनने का, लेकिन बाकी और विस्तृत पूछताछ अभी नहीं हो पाई थी। इस संदर्भ में अभी पूछताछ हम करने वाले हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।